हम सब मानते हैं कि चाहे छोटा सा ही कर्म क्यों न हो, लेकिन आत्मा को स्वयं भुगतना पड़ता है। और कल ज्ञान विधि के समय आपने बताया कि दादा भगवान ने मेरे सारे कर्म भस्मीभूत कर दिए, तो ये दोनों बातें विरोधाभास प्रतीत नहीं होती? नहीं, क्योंकि कॉजेस कर्म के तीन प्रकार के कर्म, एक 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 वाप वराड स्वरूप के, भाप स्वरूप वाले, एक पानी स्वरूप वाले, एक बर्फ स्वरूप वाले। तो बर्फ वाला पार्ट रह जाता है, पानी वाला रह जाता है, जो वराड स्वरूप है वो जल के खत्म हो जाएगा, यानी कॉजिस वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, जो इफेक्ट देने के लिए तैयार हो गया है और इफेक्ट में आ रहा है वो सब बाकी है। यानी जो आप छोटा सा छोटा कर्म भी भुगतना ही पड़ेगा, वो भगवान महावीर को भी नहीं छोड़ा, कृष्ण भगवान को भी नहीं छोड़ा, मगर जो हमें चार्ज होने वाले कर्म थे, नेक्स्ट लाइफ कैरी फॉरवर्ड होने वाले थे, वो सब खत्म कर दिए। जो अज्ञानता से चार्ज होता था वो पार्ट खत्म कर दिया। अभी जो डिस्चार्ज है, पहले पास्ट लाइफ में जितने चार्ज किए वो तो फल देने के लिए आएंगे ही आएंगे। दादाजी को भी कितना एक्सीडेंट आ गया था, लीवर का प्रॉब्लम आया था, कितने कफ का यानी अस्थमा का प्रॉब्लम आया था, कितने उनको भी सब सफरिंग आए थे, भुगतने ही पड़े, वो तो कोई चेंज नहीं कर सकता है। पर कॉजिस पार्ट वो खत्म करना, वो हमारा पुरुषार्थ है। और ज्ञान से वहाँ चार्जिंग पॉइंट को डिस्कनेक्ट कर देता है। जैसे प्लग जो था, चार्ज होने पावर चार्ज होता था, माइंड की बैटरी, स्पीच की बैटरी और एक्शन की बैटरियाँ चार्ज हो रही थी, तीन बैटरी डिस्चार्ज हो रही है और तीन बैटरी अज्ञानता से चार्ज होती थी, वो चार्ज वाला डिस्कनेक्ट कर दिया। अभी डिस्चार्ज माइंड स्पीच एंड बॉडी एक्शन, वो डिस्चार्ज चालू है, वो तो वो डिस्चार्ज पूरा होगा उसको मृत्यु बोला जाता है, वहाँ तक भुगतना ही पड़ेगा। शाता अशाता यानी सुख परिणाम या दुख परिणाम, अपमान कोई करेगा तो दुख लगेगा, कोई मान देगा तो मीठा लगेगा, और सब परिणाम भुगतने वाले हैं। डिस्चार्ज कर्म भुगत के एग्जॉस्ट होते जाएंगे, नए चार्ज नहीं होंगे उसकी गारंटी। जितनी आप पांच आज्ञा में रहोगे एक नया कर्म चार्ज नहीं होगा। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। सलील शाह। जो कर्म हम करते हैं वो भुगतने पड़ते हैं, अच्छे या बुरे कर्म, तो वो जो आत्मा को लगते हैं, लेकिन आत्मा पूर्व जन्म याद क्यों नहीं कर सकता? वो नहीं यार कर सकता, वो अच्छा है, नहीं तो आज देखेगा हमारी वाइफ तो उसके साथ चली गई, अरे बहुत दुख लग जाएगा। और ये दूसरे की वाइफ मेरे साथ शादी हुई वो भी मालूम हो गया तो कितना दुख लगेगा। नहीं, एक मनुष्य में ही है, उसको जाति स्मरण ज्ञान बोला जाता है। वो जाति स्मरण ज्ञान, किसी के आवरण हट गए तो उसको पिछली लाइफ का दिखता है। श्रीमद राजचंद्र को 900 भव तक दिखा था, नहीं लेकिन वो, और हमें नहीं दिखता, वही अच्छा है। वो नहीं दिखता अच्छा है वो बात है, लेकिन वो फिर अच्छे या बुरे कर्म अपने आत्मा को क्यों लगते हैं? क्योंकि वो आत्मा को नहीं लगते, अहंकार को लग जाते हैं। और क्यों लगते हैं? वो कर्ता भाव से, क्योंकि जब दान देता है तो भीतर में खुश होता है, मैंने 25,000 रुपये का दान दिया, मैंने किया, वो कर्ता भाव है, उसके वजह से उसको वो बुरे में भी कर्ता भाव रखता है। अरे दो गाली सुना दी सीधा हो गया, एक ऐसे को तो डांटना ही चाहिए, लोग सुधरेंगे ही नहीं। एक तो बुरा करता है, ऊपर से अहंकार करता है, करना ही चाहिए, वो कर्ता भाव से कैरी फॉरवर्ड होता है कर्म। तो वो आत्मा से अलग है जो अहंकार लगता है वो। आत्मा बोलना है तो दो शब्द बोला जाएगा। आत्मा दो प्रकार के आत्मा, एक व्यवहार आत्मा, एक मूल आत्मा यानी निश्चय आत्मा। व्यवहार आत्मा को अहंकार बोला जाता है कि मैं ही सलील हूँ, वो व्यवहार आत्मा यानी अहंकार। तो अहंकार कर्म बांधता है और वही कर्म का फल भुगतता है, और उसी को ही ज्ञान मिलता है कि नहीं अभी मैं सलील नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अभी मूल आत्मा तो शुद्ध ही रहा है, और ये रॉन्ग बिलीफ जिसको थी उसको राइट बिलीफ मिली, अभी नया कर्म बांधना स्टॉप हो गया, मगर पुराने कर्म जो बांधे थे वो फल तो आएंगे, और आ गए, उसको अभी पांच आज्ञा में रह के संभाव से निकाल करने हैं। अच्छा, तो कृष्ण के 10 अवतार हुए हैं, क्या वो ऐसा आत्मा पॉसिबल है आत्मा को पॉइंट वो जन्म लेना कि मैं इधर जन्म लूंगा ये टाइम पे? एक्चुअली मछली कछुआ अवतार एक्चुअली है ना, ये जैन शास्त्रों में 24 तीर्थंकर बताए,
ये लोग 24 अवतार बताते हैं या 10 अवतार बताते हैं, ये सिमिलर बात पैरेलल जा रही है। मुख्य तो क्या है कि एक इस कृष्ण भगवान है या राम भगवान है। राम सचमुच तो राम भगवान मोक्ष चले गए और कृष्ण भगवान है और बाद में केवल तीर्थंकर होके करोड़ों को कल्याण करके मोक्ष में बाद में जाएंगे। जो अवतार शब्द बोला जाता है कि इन्होंने ये अवतार लिया, इधर अवतार लिया, उधर अवतार लिया, सचमुच अवतार नहीं लेते हैं, मगर जो जिसके दो चार अवतार बाकी है, जिनको आत्मज्ञान हुआ बाद में दो तीन अवतार बाकी रह जाते हैं, तो अवतारी पुरुष बोला जाता है। और अवतारी पुरुष दो तीन अवतार पूरे होके जगत का कल्याण का काम करके बाद में मोक्ष चले जाते हैं। तो ये महान पुरुषों जो लास्ट दो चार अवतार बाकी है, तो अवतार बाकी वही आत्मा भगवान स्वरूप होके बार बार अवतार लेते जाएगा, वो रियल में नहीं होता है, रियल में नहीं है सचमुच। क्योंकि ये माँ के गर्भ में आना ये बहुत दुख है और वापस बचपन से लेके बुढ़ापा तक बहुत दुख है। तो वापस भगवान होके वापस जन्म जन्मांतर में आते रहेंगे वो सच्ची बात नहीं है। एक बार आत्मज्ञान हुआ बाद में पूर्णाहुति तक दो तीन अवतार चले जाते हैं। हमें भी आत्मज्ञान मिला है तो एक अवतार में पूरा नहीं होएगा, दो तीन चार अवतार रह जाएंगे। पुराना डिस्चार्ज खत्म होते होते थोड़ी आज्ञा पालन करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, उसमें थोड़ा डिस्चार्ज के टाइम जो आज्ञा पालन करते हैं तो थोड़ा चार्ज रहता है। वो चार्ज जाने संसार में भटकने वाला नहीं, वो मगर वे टू मोक्ष मार्ग। तो जो दो तीन अवतार रहेंगे हमारी जगत कल्याण की भावना है, तो ऐसे ये भावना के वजह से जो एक दो तीन अवतार रहेंगे उसमें जगत का कल्याण का काम करते करते आगे जाएंगे और उनको अवतारी पुरुष बोला जाता है। बाकी वही आत्मा बार बार अवतार ले वो करेक्ट बात नहीं है। तो वो अलग 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 आत्माएं रहती है। हाँ अलग अलग है, टू टाइम अलग अलग। और डेवलपमेंट के जैसे आज प्रेसिडेंट हुआ इंडिया का कोई, तो 5 साल के बाद दूसरा होएगा, उसके बाद ही समझ प्रेसिडेंट की चेयर वही रहेगी। आदमी बदलते जाता है, आत्मा अलग अलग। भगवान पद वासुदेव भगवान है, तीर्थंकर भगवान है, तो ऐसे भगवान पद व्यक्ति आत्मा बदली हो जाएगा, मगर तीर्थंकर का दूसरा कोई आत्मा आके तीर्थंकर होएगा। अच्छा, जो गणेश जी को हाथी का सर लगाया वो भी कुछ एक स्टोरी है। उसके पीछे भावना है और सामुद्रिक लक्षण जो बोलते हैं, उनके अहंकार ज्यादा था, समझ ऊंची थी, ऐसे सब लक्षण के लिए आकृति देते हैं। बाकी ये जो गणेश जी बोलते हैं तो रिद्धि सिद्धि उनकी दो देवियां हैं ऐसे कुछ बताते हैं। तो जैनों में भी बताते हैं गुरु गौतम समरी है, रिद्धि सिद्धि लब्धि तणा भंडार। तो रिद्धि सिद्धि वहां भी है और यहाँ भी है। तो गौतम स्वामी तो बहुत अहंकार था, बाद में आत्मज्ञान महावीर भगवान से उनको मिला, उनकी बुद्धि बहुत पावरफुल थी कि भगवान महावीर के पास जितने भी प्रॉब्लम आते तो खुद ही उनके सॉल्व करके देते लोगों के। तो ये गौतम सैनी गणधरपति और बाद में गणधर यानी भगवान महावीर जो है उनके शिष्य, बड़े जो शिष्य रहते हैं, शिष्य गण गण रहता है, बहुत सारे शिष्य। शिष्य का जो लीडर है उसको गणधर बोला जाता है और ऐसे 8 थे और उसमें भी एक गणधरपति बोला जाता है, यानी सब शिष्य के सब शिष्य का हेड और हेड में भी एक हेड था, तो गणधरपति, तो गणपति हो गया उनका। और बाद में वो बुद्धि के पावरफुल बुद्धि थी तो लोगों को व्यवहार के विघ्न दूर करके देते थे, तो ये गणधरपति को गणपति बना दिया। और बाद में कथा, क्योंकि ये जैन की जहाँ भी बात आती है वह वैष्णव धर्म वाले जुदा कर देते हैं और शिव की बात आएगी जैन के साथ तो वहाँ डिस्कनेक्ट कर देते हैं और अपना अलायदा धर्म की बात बताते हैं और कथा वार्ता, पर पॉइंट ऑफ व्यू सच्चा रहता है, पर रूपक अलग अलग बता के पब्लिक को भक्ति हो जाए, धर्म में आगे बढ़ सकती है, उसके लिए व्यवहार में कोई कथा वार्ता रखते वो लोग, और उसका भाव अच्छा रहता है और पॉइंट ऑफ व्यू भी वो बुद्धि के देव है, संसार के विघ्न निवारण करेंगे, उनकी भक्ति से रिद्धि सिद्धि मिलेगी, वो सब बात सच्ची है। वो फेज से होता है, फेज से होता है, पर है रूपक में है, किधर भी कुछ भी ये लोग बताते हैं वो कहाँ भी सच्ची हकीकत है, मगर उसको बाद में मैनिपुलेशन करके कथा में लेके आते हैं। जय सच्चिदानंद। तारा जैन, चेन्नई।
मेरा एक व्यक्तिगत प्रश्न है, स्वप्न अनेक देखती हूँ तो इसका कारण क्या है? वो डिस्चार्ज कर्म है, ये जो हम बातचीत है या पूर्व जन्म के ही फल है। हम जो बातचीत करते हैं वो तीन देह का कर्म है, स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह। और स्वप्न में सूक्ष्म और कारण दो देह में से डायरेक्ट डिस्चार्ज होके स्वप्न में दिख के डिस्चार्ज हो जाता है। नहीं, अच्छे नहीं ना बुरे सपने देखते तो भी आएंगे, बुरे आएंगे, अच्छे आएंगे, विकारी आएंगे, भय वाले आएंगे, दुख वाले आएंगे, खुशी वाले आएंगे, कभी कभी आके चले जाते हैं। कभी कभी लगता है बहुत पहले मैंने ये सपने देखा है, अभी मेरा पूरा होने वाला है, तो कुछ लगता है मैंने कुछ किया है तो मैं चुपचाप हो जाती हूँ, मेरे को लगता है नहीं ये होने वाला है अभी, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, एक फिल्म देखते है ऐसे समझ के पूरा कर देना, जागने के बाद डिसॉल्व कर देने का उसको, कि नहीं ये सपना था, उसके साथ हमें कुछ लेना देना नहीं है। मतलब इसका कारण वगैरह कुछ नहीं, जरूर भी नहीं है, क्योंकि ये कारण यानी क्या है कि पूर्व भव में जो चार्ज हुए कर्म, उसमें से कोई कर्म रूपक में यानी स्थूल देह से डिस्चार्ज होते हैं, कोई वाणी द्वारा डिस्चार्ज होते हैं, कोई मन द्वारा डिस्चार्ज होते हैं, और जो कुछ ऐसे एकदम हल्के प्रकार के कर्म है, लाइट वेट, वो मन स्वप्न द्वारा डिस्चार्ज होके खत्म हो जाते हैं, उसमें वापस कर्म नहीं लगते, नहीं लगते हैं। हाँ, जागने के बाद अहंकार नहीं करना चाहिए, अरे मैंने तो उसको इससे गिरा दिया, वो पानी में गिर के मर गया। नहीं, अगर सपने में देखा था बुरे विचार या बुरे किसी के प्रति, तो जागने के बाद अहंकार नहीं करने का, हो सके तो 5 मिनट बैठ के प्रतिक्रमण कर डालो कि सपने में इसे अभाव किया, तिरस्कार किया, झगड़ा किया, वैर किया, किसी को दुख दिया, मार डाला, सबकी माफी मांग लेने का, तो पूरा हो गया। और एक प्रश्न है, उपवास आदि जब तप करते हैं, जब करते हैं, उससे कर्मों की निद्रा तो होती है ना? कौन से कर्मों की? जो अपने को पूर्व या कौन सा उपवास करना है, या जो देह को खाना खाने बंद करेंगे, खाना बंद, खाली तो पानी उसे के? उसके मन की थोड़ी मजबूती होती है, जो खाने में वृत्तियों की जो लालच थी वो कम होगी। पर कर्मों की निर्जरा, आप ही सोचो, द्वेष से किया कर्म, किसी के साथ वैर भाव किया है, वो खम खाने से बंद होएगा कभी? विचार तो शुद्ध भाव शुद्ध रहते हैं ना, भाव शुद्ध रहते हैं तो, मगर जो द्वेष किया है उसके प्रतिक्रमण करोगे तो खत्म होएगा, या तो मोह किया है तो उसके पश्चाताप करोगे तो खत्म होएगा, है ना? अज्ञानता से किया हुआ कर्म ज्ञान से खत्म होएगा, और देह का उपवास, चर्बी बढ़ गई होगी तो कम हो जाएगी, चर्बी की निर्जरा हो जाएगी, बाकी कर्म अगर जब करे, ध्यान जब करे, से नया पुण्य बंधेगा, मगर वैर भाव नहीं खत्म होएगा, राग द्वेष मोह जो पहले किए है उसको तो ज्ञान की जागृति और प्रतिक्रमण करके धोना पड़ेगा, ये सिर्फ हेल्पिंग है। हाँ, उपवास के दिन इतना फायदा होता है कि आप किचन में दौड़ना बंद हो जाता है, तो आदमी को 2-4 घंटा मिलेगा तो शांति से ऑब्जर्वेशन करो, इंट्रोस्पेक्शन करो कि मैंने कहाँ गलती की, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान के ऊपर पश्चाताप लो तो कुछ फायदा मिलेगा, बाकी सिर्फ उपवास करने, श्लोक क्या करते हैं, आज तो उपवास है, मैं 3 VCD लेके आया और 1-2 घंटा प्रतिक्रमण किया, 1 घंटा समय किया, थोड़ा मंदिर जाके आया, पर उसका हेतु मालूम नहीं। उपवास के दिन हमारा सांसारिक उपवास में क्रिया वगैरह भी तो करते हैं ना, क्रिया करते, मगर क्रिया का शरीर की क्रिया है और थोड़ा मन की शांति मिलेगी, पर जो द्वेष का किया हुआ कर्म प्रतिक्रमण से धोया जाएगा या मोह का कर्म पश्चाताप से धोया जाए, वो काम बाकी रह जाता है, वो करोगे तो धोया जाएगा, बाकी उपवास तो शरीर को खाना बंद किया तो हमारी थोड़ी भीतर में जो कचरा रहता है वो जल के खत्म हो जाता है ना, शरीर का कचरा, इम्प्यूरिटीज, पॉइजन सब जल जाता है और मन थोड़ा स्ट्रांग होता है। अभी एक ये शरीर की शुद्धि करके बाद में वापरना कहाँ है? हमने पेट्रोल में गाड़ी में पेट्रोल भरा, गाड़ी कहाँ लेके जानी है? बस दूसरा पेट्रोल पंप ढूंढता हो उसके लिए गाड़ी चलानी है, तो ये उपवास करके बाद में आज उपवास किया तो दूसरे दिन डबल खा लेता है, तो फायदा क्या मिलेगा? हम तो दादाजी ने कौन सा रास्ता बताया था मालूम है? हरेक खाने के टाइम उणोदरी करनी, यानी भूख है, हम 3 रोटी खा सकते हैं, 2 ही खाने की 2 खा सकते तो 1 ही खाने की, 50-60% ही खाने का, 30-40% कम खाने का, रोज एवरी फूड ईटिंग के टाइम, सुबह नाश्ता के टाइम, दोपहर खाने के टाइम, रात, और वो हमारा प्रयोग चालू है, और बहुत लोग ऐसे प्रयोग करते हैं, उपवास नहीं करते हैं, पर उणोदरी अवश्य करते हैं, और उणोदर से क्या होता है, जागृति बहुत रहती है, डोजिंग नहीं हो जाता है बार बार, और उपयोग में रहने से प्रतिक्रमण कर सकते हैं, विज्ञान समझने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, जुदापन की जागृति रख सकते हैं, और हमारे कषाय आर्त ध्यान रुद्र ध्यान जो डिस्चार्ज में आए सबको धोके क्लियर कर सकते हैं।
प्रतिक्रमण हम करते हैं, समझो अभी किसी के साथ मेरा द्वेष हो गया तो मैं मन से उसको प्रतिक्रमण करती हूँ, पर उसको पता नहीं कि मैंने उससे उसके साथ प्रतिक्रमण किया, तो उसका जो वैर भाव रहेगा वो कैसे कम होगा फिर? देखो नियम क्या है, मेरे हाथ में दोरी बांधी है, सामने वाले के हाथ में बांधी है, मेरा मैंने छोड़ दिया, बाद में मैं इधर कूदाकूद करूँ तो उसको कुछ खींचेगा नहीं, तो उसको भी ढीला हो जाता है। तो मेरा द्वेष भाव, मेरा अभिप्राय मैंने थो डाला तो उसका रिएक्शन में उसका भी गिर जाएगा, इसको पता ही नहीं मैंने किया, पता नहीं। फिर भी आपको देखो, बाहर से मुंह से जो बोलते हैं ना उसका गुना कम है, भीतर में द्वेष है, मैं देख लूंगी छोड़ूंगी नहीं, तो फिर आपने पश्चाताप किया कि मैं कभी दुख नहीं देना है, किसी के साथ वैर नहीं बांधना है, मैं द्वेष भाव किया दिल से पश्चात, तो वो वाइब्रेशन उसके भीतर पहुंचेंगे, उनको आत्मा को पहुंच जाता है और वो आत्मा हमें माफी दे देगा, उसकी गारंटी। और हमारा तो अनुभव नहीं, लाखों आदमी का अनुभव है कि इधर प्रतिक्रमण मुख शब्दों से भी बोला नहीं, भीतर में बहुत दिल से पश्चाताप किया, प्रतिक्रमण किया, तो उसके साथ नॉर्मल प्रेम वाला व्यवहार शुरू हो जाता है, वैर भाव छूट जाता है। एक प्रश्न है, जब दोनों के आमने सामने कुछ या लड़ाई हो जाता है या कुछ भी हो जाती है, सर हम एक जन संभाव रखते हैं और वो दूसरा नहीं रखे तो क्या होगा फिर? वो रखना ही नहीं चाहता है तो आपका मोक्ष हो जाएगा, उसका जो होने वाला हो जाएगा। नहीं, जब बातचीत कर रहे हैं हम बहुत समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, हम संभाव से रह रहे, फिर भी अगर वो ना माने तो वो हमारे कौन भुगतता है, उसकी गलती। और देखो एक दिन में न माने तो हम ये भावना रखनी है कि इनके मन का समाधान हो जाए, ऐसे व्यवहार करना है, मुझे संभाव से ये फाइल का निकाल करना है, 2 साल 5 साल 20 साल 25 साल भी हम वेट करना है, हम भाव नहीं बिगाड़, ये तो सुधरेगा नहीं, मरने दो, भी जो होना है हो गया, ये हमने भाव बिगाड़ दिया तो हमारा भाव बिगड़ जाएगा, हम भाव नहीं बिगाड़ना चाहते। भले वो देखो ना ये चेन्नई में कितनी गर्मी आती है, कितना बारिश आ जाता है, तो क्या करते हैं हम, हमारा एडजस्टमेंट करते रहे, ये चेन्नई में अभी हम बेंगलोर जैसे ठंडक कभी आएगी नहीं आएगी, तो हम एडजस्टमेंट करते कि नहीं करते, तो एटमोसफेयर कभी सुधरा, 20 साल से नहीं सुधरा तो अभी क्या करना, तो हम एडजस्टमेंट नहीं लेते। तो ये व्यक्तियों में भी एडजस्टमेंट लेना है, 25 साल तक नहीं सुधरा तो भी एडजस्टमेंट लेना, हमें तो 2-4 बार एडजस्टमेंट करते हैं और बाद में डिसीजन ले लेते ये सुधरेगा नहीं, उसके साथ व्यवहार ही नहीं करना है। हमारा अहंकार से बुद्धि से हम एडजस्टमेंट लेना चाहते हैं, और बुद्धि से एडजस्टमेंट लिया वो 2-4 बार लेगा और बाद में बुद्धि रिएक्शन आती है कि मरने दो, इसके साथ व्यवहार नहीं करना है, और वही भाव बिगड़ता है, वही हिसाब पेंडिंग रखने का कारण होता है। हमें एक ज्ञान से जाना है, आज नहीं हुआ सॉल्यूशन, मगर एक लेयर तो कम होता ही है, हमारी जो भावना है कि फाइल है संभाव से निकाल करना है, तो आज का प्रसंग में हमारे साथ व्यवहार किया वो व्यक्ति ने, हम दिल से भावना की इतनी एडजस्टमेंट लेना है, संभाव से निकाल करना है, बाद में प्रसंग पूरा हुआ हमारा उसके बीच में का एक लेयर कम होएगा, बस दूसरी बार होएगा तो दूसरी बार दूसरा लेयर कम होएगा, एक एक लेयर कम होते 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 दोष खत्म होता है। हमें ये चेक नहीं करना है कि अभी तक क्यों कम नहीं हुआ, मैंने इतने प्रतिक्रमण किए क्यों नहीं कम हुआ, वो देखने के लिए जरूर नहीं है। आप अपना प्रतिक्रमण करो, 5 आज्ञा में रहो, शुद्धात्मा देखो, निर्दोष देखो, और संभाव से निकाल करना है, निश्चय रखो, और 2-4 साल में अपने आप चेंज हो जाएगा। और नहीं हुआ तो समझ लेने का बहुत चिकना हिसाब है, हस्बैंड वाइफ में तो 50-50 हजार लेयर्स रहते हैं एक एक दोष के, दिखता ही नहीं कि अभी तक सुधरा ही नहीं हम दोनों के व्यवहार में, दोनों ही सुधरते नहीं, क्यों? तो बहुत चिकना हिसाब है। और दूर वाले होंगे तो तुरंत चेंज दिखेगा, क्योंकि बहुत 2-4 ही लेयर थे वो खत्म हो गए, तो चेंज हो जाएगा दोनों के व्यवहार में। एक बात कहना चाहूंगी, जब मैं टीवी देख रही थी तो आपका सत्संग चल रहा था, तो उसने आपकी एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, आपने कहा कि ऐसा कर्म करो कि महाविद्रेय क्षेत्र में जन्म लेके वहां से मोक्ष चले जाएं, तो ये बात ही मेरे को बहुत अट्रैक्ट किया, तो मैंने सोचा कब मैं आपसे मिलूं या कुछ सत्संग में जाऊं, तो 4-5 दिन पहले आपकी किताब आई कि ये सत्संग यहाँ है, तो सोचा 3 दिन तो जरूर मैं इसमें भाग लूंगी करके। कल ज्ञान लिया आपने? हाँ लिया, बहुत अच्छा। मैं शुद्धात्मा हूँ, रात को ध्यान करके सो गए थे, ध्यान करके सो, सुबह भी जागृति आ गई। हाँ, अभी मैं शुद्धात्मा हूँ, सोचती मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा, जागृति रहेगी अभी। और ये फाइलों का संभाव से निकाल करके हमारा यही ध्येय है, ये भरत क्षेत्र के हिस्सा पूरा करके हम महाविद्य क्षेत्र पहुंचे, और सिमंदर स्वामी की आराधना हो रही है, और यहाँ के हिसाब राग द्वेष के दोते जाते हैं, तो फिर हमारा नेक्स्ट बर्थ वहाँ ही हो जाएगा, और वहाँ से मोक्ष खुला है, केवल ज्ञान खुला है। तो ये महाविद्य क्षेत्र जाने का ही रास्ता बताते हैं दादाजी।
और एक बात कहना चाहूंगी, कल ज्ञान विधि संपन्न कर में जब घर पहुंची तो मेरी लड़की रो रही थी, तो मैंने बोला क्या हुआ, कि बोली मम्मी बैग में मैंने मोबाइल यहाँ रखा था, अभी मोबाइल नहीं है करके। तो नेचुरली क्या होता है, मेरे को भी गुस्सा आना, वो मोबाइल था 40,000 का, तो मैंने बोला ढूंढ मिल जाएगा, तो बोले नहीं मम्मी मैंने इधर ही रखा लाके, वो बैग नौकरानी ने अंदर रख दिया। तो पूरा ढूंढी ढूंढी रो रही थी, नहीं मिला मेरा मोबाइल करके। तो मैंने ठीक है मिल जाएगा, छोड़ दे अभी, जो होना जो हो गया करके। फिर बोली नहीं किसी ने लेके छुपा दिया होगा, बहुत रो रही थी। तो मैंने कहा चल तू भूल गई होगी, कुछ भी हो गई, तू गाड़ी में तो देख किया, तू गाड़ी में उतरी, चल तू गाड़ी में मोबाइल रख दी होगी। तो फिर चेक किया तो वहाँ मिल गया। नहीं तो नेचुरली क्या होता है, मैं भी कभी कभी डांट देती हूँ, तुम्हारी गलती, इतना मोबाइल है, तू ध्यान नहीं रखी। जब कल ज्ञान विधि लेके गई तो मैंने भी इतना संभाव रखा, तो वो खुद बोलती है कि क्या मम्मी आपने मेरे को डांटा भी नहीं करके। ज्ञान का प्रभाव शुरू हो गया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।